मैं ज्योति श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मंथ घाट पर हुए हादसे में 24 घंटा बीत जाने के बाद भी दो लोगों की पता नहीं चला है। SDRF टीम दोनों लोगों की पता लगा रही, जिससे कि परिवार वालों में चिंता का माहौल बना हुआ। परिजन घाट पर पहुंचकर एक झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं। हादसे में लापता हुए सिकंदर यादव के पुत्र पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि 6 भैंस और उनके पिता लापता हो गए हैं, अभी तक नहीं मिला है। कल से घर में खाना नहीं बना। पिता का एक झलक देखने लिए सुबह से ही हम लोग घाट पर है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। कल जिला प्रशासन आए और आश्वासन देकर गए हैं कि क्योंकि भैंस से उनका पूरा परिवार का भरण पोषण चलता है। बताया कि करीब 4 लाख भैंस का कीमत होगा, लेकिन अब वह भी लापता है। सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये भैंस लेके जा रहा था उस पर चराने के लिए, दिल्ली जाता था। जहाज सब वहाँ पर लगल था, एक जहाज स्टार्ट था, भैंस लेके जा था 8 आदमी। दोनों सब भैंस सब जहाज में जो टकरा गया, सब अंदर में तरिया गया। बोलबो किया जहाज वाले को कि खोलिए खोलिए जहाज, लेकिन कोई नहीं खोला। गलती किसका मान रहे हैं? गलती जहाज वाले को। कितने का नुकसान हुआ है? कितने का है? 50 भैंस 60 भैंस जो है, मतलब जो है लापता हो गया। कितने का? कितना? 6 भैंस था। अच्छा, मेरा पापा जी। क्या मांग करेंगे सरकार? क्या मांग करेंगे आप सबके हिसाब से क्या होना चाहिए? भैंस तो जो है चला गया, चले गया। भैंस तो जो चला नहीं जाने का था, चले गया। मेरा बाबूजी भी तो चला गया ना, उसी पे घर परिवार चलता है। अब उसी पे मेरा घर। जिला प्रशासन कल आई, क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी तो हम, ये मेरा भाई भी एक है, वो जो है मतलब जो है क्या होगा। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? सरकार क्या मुआवजा मेरा दे दे, मेरा बाबूजी का घर। हमें दो ही भाई हैं, मेरे बाबूजी है, मेरी माँ है, सारे परिवार। कितना का नुकसान हुआ आपका? मेरा 6 भैंस 60-70 हज़ार। एक भैंस, अभी भैंस आपका टोटल बताएं। 4 लाख कमानी है ना। अरे बाबूजी, बाबूजी परिचय परिचय मेरा मायागंज गुप्पा घर का है। नाम मेरा, नाम है पप्पू यादव, मेरा पापा का नाम है सिकंदर यादव। ठीक, पकड़ा तो जहाज में जाना शुरू होता। जहाज चेक किया हो, चेक करने के बाद अरे भी हाथ फेरा तो नहीं रोक रहा है। हार चेक किया, रास्ता गिरोने पर रास्ता नहीं गिराया, तो दूसरा आदमी रास्ता गिराया। टिकट चुने वाला तो 2300 धरे ऊपर हुआ डरिया से, 2500 चले ही गया। अब अरे हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। हम लोग क्या कर को खाएंगे, बोलिए। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से क्या मांगेंगे सर? जो अंदर लोग का रोजी रोजगार है वो चीज़ चाहिए, जिससे हम जीते हैं बाल बच्चा सब मिल को। वो धन्ना सर को हम खाएंगे, बोलिए। अभी तक मुआवजा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है सर। मोहलत में रखा हुआ है, ठीक हो गया तो मोहलत में है। अब आप क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे सर? हमको तो कुछ मुआवजा चाहिए। जो जानवर का कीमत वो दीजिएगा तो हम लोग जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। रोज लेके जाते हैं? हाँ हाँ, रोज भेज जाता है। कितनों का नुकसान हुआ होगा? बुझिए ना कि 50 भैंस बुरा हुआ है, 60-65-70-80 का भैंस सब खरीदे। 60-70-80 हज़ार का? हाँ, एक भैंस का 80 हज़ार, 90-70 हज़ार। कितना भैंस टोटल लापता है? 50 से ऊपर भैंस खत्म हो गया है। 50 से ऊपर? हाँ। अच्छा, पुलिस प्रशासन आया, आश्वासन दिया? कुछ नहीं किया। वो लोग खाली घर घरा किया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ किया है। आज क्या करेगा? वो फोटो वोटो लिया है, कमरा वाला भी आया था, वो फोटो लिया। क्या बोला वो? बोला कि आप लोग को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा कब मिलेगा? नाम पता सब लिखा? हाँ, नाम पता सब लिखा हुआ है सब। अपना परिचय बता दो। हमारा घर खंजर। आपका क्या को भैंस दुकान? एक नाम बताइए। लखनजा।